सूरज बोला बस चोर के ले जाएगी, बोल कर तू पहुंची कसी दूर मुलुक बड़ी रूम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सूरज पहाड़ी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज मैं दीदी जी के साथ श्रीनगर जा रहा हूं। आज आपके लिए श्रीनगर का ब्लॉग होने वाला है। दीदी जी का कुछ काम है वहां पर, तो क्या काम है वो तो हम वहीं जाकर बताएंगे आपको। आप वीडियो में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो ये देखिए अभी मैं पहुँच गया हूँ रोड में। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं यहीं से कर रहा हूँ सीधा रोड से, क्योंकि ऊपर से तो बार बार करते हैं, आज नीचे से कर रहा हूँ सीधा रोड में आके। देखिए तो दोस्तों पहले नीचे चलते हैं दीदी के यहाँ, देखते हैं दीदी जी क्या क्या कर रही हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, दीदी जी भी तैयार हो गई है और मैं भी पहुँच गया यहाँ पर। चलता फटाफट, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। एक चीज़ ला रखा मैंने तेल लिए तेरी मर्जी। नमस्कार, आज हम श्रीनगर जा रहे हैं और वहाँ कुछ काम है, इसलिए लेट हो गए हमें। हम बहुत सुबह को नहीं गए, हमें ये सूरज आया नहीं सुबह, इसलिए लेट हो गया। यहाँ पे बहुत सारी ककड़ी है, ककड़ी आ रखी थी वहाँ पे, मैंने वहाँ पे वीडियो ऑन किया नहीं है। आगे गाड़ी भी आ रही है आगे, और आज मैं पूरा काम करके आई घर से, कपड़े धोए, सफाई की, नाश्ता बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा, तब जाके आई आज। आज इस टाइम तो मैं खूब जंग हो रखी हूँ, घर आते तो मैं घर आते तो मैं पता नहीं कैसा होता है, तब दिखाती हूँ तुम्हें बाद में, तो काम बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा मेरा ऐसा ही होता है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरा काम बनता नहीं है, और मतलब परेशानी होती है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या बात है। तब इस काम के लिए जा रही हूँ मैं, तब वहाँ जाके बताएंगे आपको। घर में कितनी सारी चीजें लग रखी थी, मक्का, ककड़ी, कद्दू, बहुत सारी सब्जियां लग रखी है। हमें आर्थ के लिए कद्दू है, कहाँ लगा चोरी दिखा नहीं लगे था लगा जो माए भाई यार सेमी। गाइस ब्लॉग में लोग बोलेंगे कितनी चार है ये, हम बोले कि बेल देखो यहाँ पे कितनी सारी है, बेलें लग रखी है, सब्जी लग रखी है यहाँ पे, पर बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि ले जाऊँ उठा के, और सूरज बोला बस चोर के ले जाएगी, बोल कर तू कहीं पर दिख जाएगा तो मैं ले जाऊँगी, कहीं रोड पे दिख जाएगा किसी का तो मैं ले जाऊँगी सब्जी। नहीं है हम मार्केट में रहते हैं, हमारे लिए सब्जी सूरज भी नहीं लाया, लेकिन बहुत सारे कद लग रखे हैं, बोला मेरे लिए बस ये चोर के ले जा, बस ये मुझे चोर बता रहे। तुम्हें लग रहा है गाइस बता देना, कमेंट कर देना कि मैं चोर हूँ कि नहीं, बाकी आपकी मर्जी, चोर देखो चोर बैंक कर दे ना, ये बताइए सच्ची यार। अब कोई काम नहीं कर रहा है घर में, सब खेती बाड़ी बंद पड़ गई है, सच्ची खेती बाड़ी बंद पड़ी है ना भैया, पर पता चले लोकार खेती बाड़ी सारा वही जंगोर गोदू मार्च सब कुछ दिखाने लगी है, बड़ी यो है कितना अच्छा रहे वो डांडी कांठी देखो तो, ऐसा है नीचे शहर में लोग बोलते हैं कि शहर में अच्छा है, बस सिर्फ साधन ही साधन तो है उधर, बाकी क्या है उधर, कुछ भी नहीं है ऐसा, मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ।
देहरादून ऋषिकेश, बाकी मैं आगे तो नहीं जा रही देहरादून ऋषिकेश तक जा रखी हूँ मैं, बाकी तो मैं आगे गई नहीं कभी। हमने देखा अंजनी से डांडा अग्रकोट पास देहरादून ऋषिकेश की नगर घूमी मैं, बाकी से दर्जा पास नई टीरी पौराड़ी, बाकी हाँ चला हूँ मैं कहीं गई नहीं, तो हमें क्या पता कि आगे कैसा है। जो जा रहा होगा वही उन्हीं को पता होगा वहाँ कैसा है। तो हमें तो है अपने पहाड़ में अच्छा लगता है, हमारे पहाड़ में बहुत अच्छा है, शुद्ध वातावरण है हमारे पहाड़ में, शुद्ध हवा है, पानी है, सब कुछ है। मतलब आजकल दुकान से ना सब्जी लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है किसी को, सबकी सब्जी अपने अपने घर में हो रही है, ताज़ी ताज़ी सब्जी बस छक छक के खा रहे हैं लोग, ज़्यादा करके सूरत को। इतना दूर आता है मेरा अन्ना स्कूल, वहाँ देखो वहाँ पूजा को है, वहाँ प्रॉपर तो नहीं दिख रहे हैं मोबाइल में पर उधर ही बस वहाँ वहीं पे जहाँ पे दिख रहे उधर उधर है मेरा अन्ना स्कूल। इतनी दूर आता है अन्ना स्कूल। दादा धारू मांगे पहुँची कख दूर मुलुक बड़ी रूम की डांडा दारू माम अच्छे गे हम अच्छे गे यहाँ जात में और नहीं ताकि ताती धवाड़ी रोटी कंकरियालो घ्यू कंकरियालो घ्यू। देखो भाई जब पेट्रोल पंप पे पहुँच गए और यहाँ पे पेट्रोल भरा जा रहा है गाड़ी में श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। अब हम श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, थोड़े 2-3 किलोमीटर जाने के लिए बस हम पहुँचने वाले हैं। ज़्यादा पानी का पानी है ना यहाँ, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, नदी नाले आ रहे हैं, रोड पे भी पानी आ रहा है, हर जगह पे पानी आ रहा है। दांत निकालने के लिए आ रही थी तुम्हें पर डॉक्टर ने मना कर दिया, आपके दांत में बल पर्स बन रखे बोले तब परसों आने बस को मार के दिन 3 दिन की दवाई दे रहे हो तब दवाई खा के आऊँगी फिर एक से 2 दांत खराब हो रखे बल आपके बल बहुत खराब हो रखे बल निकालने पड़ेंगे। दोस्तों हम यहाँ से दवाई ले रहे हैं, दीदी जी के दांत में दर्द था, मतलब तो 2 दांत खराब हो रखे हैं, डॉक्टर ने 3 दिन का समय दे रखा है, आज यहाँ से 3 दिन की दवाई ले जाएंगे और फिर सोमवार को आएंगे फिर से, क्योंकि आज नहीं निकलेगा, कुछ दिन की दवाई खानी है उसके बाद निकालेंगे फिर दांत। यहाँ से दवाई ले रहे हैं उसके बाद यहाँ फिर खाना पीना खाएंगे। खर्चा भी क्यों होता मेरा तो यहाँ आने में इतना खर्चा, आज भी इतना ही होगा उस दिन भी उतना ही होगा तब जाके, लेकिन यहाँ आने में खर्चा भी बहुत होता है, रास्ता भी बहुत दूर है, बच्चे भी मेरे स्कूल छोटे बच्चे हैं मेरा मेरे स्कूल भेज रखे हैं, उन्हें भी परेशानी होगी घर आके, आज ही निकल जाता रहा तो तब दूसरी दिन आने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पर दोस्तों हम लंच करें क्योंकि
सुबह हमने नाश्ता भी नहीं किया था, क्योंकि आज काम तो बना नहीं, तीन दिन बाद आना पड़ेगा। तो छोटा सा डॉग, कैल्शियम है इसमें जो इसके पास दे रखा है। सूरज के चश्मे लग गए, इसके चश्मे से लग गए, वो नहीं लगाने हेयर बैंड, खाना पीना हो गया, भूख लग गई। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं घर, और अभी मेरे को बहुत ऊपर जाना है। आप लोगों को पता ही होगा हमारा गांव ऊपर है, इसको लगा लेते हैं।